हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द टेक मास्टर। तो लास्ट वीडियो में मैंने साइकिल का इंडिकेटर का रिव्यू दिया था, तो आज उसका इंस्टॉलेशन साइकिल पे कैसे करें इसका वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले आपको ये रियर इंडिकेटर में इस तरह से ये क्लिप फिट करना है। इसके बाद ये क्लिप आपको सीट के नीचे के रॉड में आपको ये फिट करना है। तो इस रॉड में आपको ये क्लैंप फिट करना है। तो कभी कभी ये दोस्तों ये क्लैंप आपको छोटा पड़ सकता है, या सीट का रॉड कभी कभी लेंथ ज़्यादा होती है तो ये बैठ नहीं सकता, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अभी मेरे केस में ये लग नहीं रहा था, तो मैंने जो मेरा रियर रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर है उसका क्लैंप मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको दोस्तों रियर साइड में क्लैंपिंग करना है। तो मैंने रिफ्लेक्टर का क्लैंप यूज़ किया है अभी। तो इस तरह से अपना क्लैंप फिक्स हो गया है। तो अभी हम आगे का वायर रूट करते हैं। तो आगे हमको स्टॉप स्विच, जो मतलब अपना कंट्रोलर है, वो लगाना है। तो दोस्तों ये कंट्रोलर के नीचे एक क्लैंप आता है, ये क्लैंप आपको ये स्क्रू निकाल के लगाना है। तो मैं अभी ये नीचे वाला स्क्रू लगा के ये जो अपना हैंडल बार में ये क्लैंप लगाना है, और क्लैंप के ऊपर ये स्विच लगाना है, तो इसको कंट्रोल स्विच बोलते हैं। तो अभी ये हम क्लैंप लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। अगर आपके हैंडल बार का साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो इसमें पैकिंग्स भी दिया है, तो आप पैकिंग्स के मदद से भी ये टाइट कर सकते हैं। तो मेरे केस में पैकिंग्स लगा नहीं, क्योंकि मेरा जो जिस एरिया में मैंने लगाया है वहाँ पे डायमीटर काफ़ी अच्छा था, तो क्लैंप आसानी से हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्लैंप करना है नीचे से। क्लैंप अच्छी तरह से करेगा, मतलब वो लूज़ ना हो जाए। तो अभी ये चालू हो गया है। देखो मैंने लेफ़्ट का लाइट लगा दिया है, तो लेफ़्ट का आगे का तो लग रहा था, अभी रियर का भी लग गया है। अभी मैं राइट का लगाता हूँ। अभी ये राइट का लग गया है दोस्तों। तो राइट का पीछे का लग गया है, अभी आगे के देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो ये आगे में राइट का भी लग रहा है और सेंटर का भी लग रहा है। तो मैं अभी ये स्टॉप स्विच जो हमको रात को, अगर आपको साइकिल चलाना है तो एक सेंटर लाइट मोड भी ऑप्शन है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमको ये दोस्तों रियर स्टॉप स्विच लगाना है, तो ये इस एरिया में लगाना है आपको। तो ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो चलो इसको टाइट कर लेते हैं। तो इसको आपको इस तरह से लगाना है और ये स्क्रू को टाइट करना है। तो आप दोस्तों इसको केबल टाई से भी टाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये टाई कर दिया है, अभी मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ। तो अभी मैं ये ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। ये भी देखो, ये ब्रेक दबने के बाद ये ऐसा लाइट लगेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा एक इंस्टॉलेशन वीडियो था। तो आपका ये जो रूटिंग है उसको आप केबल टाई से टाई कर सकते हैं। आपको मतलब हार्नेस लटकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप आपकी दोस्तों घर में ये आपको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।